जिला मुख्यालय के साथ लगते दुडूही गांव में हुए करोड़ों के भूमि भरसीवाड़े में निष्पक्ष जांच के लिए आमरण अनशन पर बैठे ग्रामीणों ने अनशन खत्म कर दिया है। इस मौके पर एसडीएम हमीरपुर शिल्पी बेगटा ने स्वयं जाकर आमरण अनशन को तुड़वाया। अनशन पर बैठे फिलोराम ने प्रशासन से नहीं बल्कि अपनी 93 वर्षीय माँ शारणी देवी के हाथों से जूस पीकर अनशन को तोड़ा। इस मौके पर प्रशासन ने भूमि फर्जीवाड़े के दोषियों पर कार्रवाई करने और मामले की निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर करीब 7:30 बजे प्रशासन ने फिलोराम के आमरण अनशन को तुड़वाया। जिला मुख्यालय के साथ लगती विकास नगर में 100 कनाल सरकारी भूमि को मलकियत में तब्दील कर रिसोकदारों ने उसका करोड़ों रूपए में सौदा कर डाला। विकास नगर के रहने वाले फिलोराम का कहना है कि कुछ रिसोकदारों ने करीब 100 कनाल सरकारी जमीन मलकियत भूमि में तब्दील कर उसे लगभग 500 करोड़ रुपए में बेच दिया है। उन्होंने कहा कि 2006-2007 में हुए बंदोबस्त की नवीन अक्स नक्शा मुसावी के खसरा नंबर इस्तेमाल साल 1965-1966 से कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिकायत के बावजूद पुराने रिकॉर्डों को नष्ट कर मामले को दबाने का प्रयास राजस्व विभाग कर रहा है। इस बारे में 2012 में शिकायत की गई थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। इस मामले की निष्पक्ष जाँच के लिए वो आमरण अनशन बैठे थे। अब निष्पक्ष जांच और दोषियों को सजा दिलाने के लिए हिमाचल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जो हमारी समस्या थी उसके बारे में इन्होंने बोला कि हम उसका निवारण करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं या जो भ्रष्टाचार है इसके लिए जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और उसके बाद ऐसा है कि जितना भी इन्होंने बोला ये बंदोबस्त जो हुआ इसको मैं एक एक नंबर से लेकर जो है उसको हमें खुद देखेंगे और उसके ऊपर निर्णय लेंगे। अगर एसडीएम शिल्पी विक्टा का कहना है कि आमरण अनशन को तुड़वा दिया गया है। प्रशासन ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोष सिद्ध होने पर दोषियों पर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। इनके पास तोड़ने से अनशन तोड़ने से हम बड़े खुश हैं। जो इन्होंने मुद्दे उठाए हैं इस अनशन से भी पहले जो उठाए हैं उन सबका निवारण एक एक करके किया जाएगा। और इनको हमने कई चीज़ों को लेकर वायदा भी किया हुआ है। जैसे इनका मेन प्रॉब्लम थी मोमी के साथ, तो मोमी की इंस्पेक्शन ये कर सकते हैं तहसील जाके। साथ में इनको ये भी बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने क्या जजमेंट दी है, क्या ऑर्डर्स पास किए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इनको कहा गया है कि करेक्शन और दुरुस्ती के लिए अप्लाई करें। और साथ में जितने लोग हैं इनके गांव के जिनको इस बात से कोई तकलीफ है कि इनका सेटलमेंट सही नहीं हुआ है तो करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जांच करके अगर विजिलेंस में केसेस बनाने हैं उस तरह से किया जाए, अगर गलती पाई जाती है तो किसी को नहीं बख्शा जाए।